बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, एक छोटा सा क्वेश्चन ही हमारे सामने है। ये भी लिमिटिंग फैक्टर का है, ये छोटा सा क्वेश्चन लेकिन इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कह रहे हैं, जनाब कंपनी प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स यूजिंग द सेम रॉ मटेरियल, द रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड ओनली 3000 kgs शेल बी अवेलेबल इन अप्रैल 2009 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1500 पर kg। यानी देखिए, लिमिटेशन जो है वो हमारे पास मटेरियल की है। द बजटेड कॉस्ट एंड रिलेटेड डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज एज अंडर। सर, हमारा अंदाज़ा है कि हम एक्स वाई जेड इतने इतने बेच पाएंगे अगर हम प्रोड्यूस कर पाए तो। ये सेलिंग प्राइसेज है, मटेरियल इतना इतना यूज होगा, लेबर इतना इतना यूज होगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है उसकी, डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट शुड बी प्रोड्यूस बाय द कंपनी टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। सिंपल लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सीधा सवाल है। सर, इसको सॉल्व करना शुरू करें। सबसे पहले तो सर मैं ये चेक कर लूं कि मेरे पास लिमिटेशन है भी या नहीं। मेरे पास एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है जी। अब बताएं इनकी डिमांड कितनी है। सर, एक्स वाई और जेड की डिमांड है 1000, 800 और 1200, ठीक है जी। मुझे इस पे कितने केजीज मटेरियल लगाना है सर? 1.6, 1.2 और 1.8, ठीक है जी। तो इसका मतलब है सर, जो मुझे टोटल मटेरियल चाहिए वो चाहिए क्या हो गया भाई, 1600 kg इसके लिए, 960 इसके लिए, 2160 इसके लिए, और ये टोटल जाके बनता है सर मेरे पास तकरीबन कोई लगभग 4720 kg। और ये कह रहा है कि हमारे पास सिर्फ 3000 kg, तो यस, ये एक लिमिटेड फैक्टर जरूर है। अब हमने डिसाइड करना है सर सीएम पर केजी के ऊपर। तो सर, अगर मैं इन दोनों की सेलिंग प्राइसेस ले लूं, इन तीनों की, तो सर मेरे पास वो है 3750, 3500 और 4500, ठीक है जी। सर, इस पे मटेरियल लग रहा है कितने, 1500 रुपये का 1 kg है गालिबन, और इस पे सर 1.6 kg लग रहे हैं, इस पे 1.2 और इस पे 1.8 लग रहे हैं। सर, लेबर हमारे पास सर 12, 16 और 15, ये मेरे पास सर लेबर आर्स, लेबर की कॉस्ट आ गई, ये मेरे पास सर इनका सीएम आ गया, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास सीएम पर केजी कितना है। सर, बड़ा आसान है सर, सीएम को मैं डिवाइड कर दूं केजी से, तो मैं अगर देखूं सर मेरे पास रैंकिंग में सबसे बेहतर प्रोडक्ट है वाई, फिर जेड और फिर एक्स, ठीक है जी। और अगर मैं सर एक प्रोडक्शन प्लान बना लूं, तो सर मेरे पास सबसे पहले जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, प्रोडक्ट उसके यूनिट्स, केजीज कंज्यूम्ड, केजीज लेफ्ट ओवर और टोटल सीएम। मुझे बताएं सर मेरे पास प्रोडक्ट पहले कौन सा बनना चाहिए, वाई, वाई की कितने यूनिट्स की डिमांड है सर हमारे पास, वाई की डिमांड है सर हमारे पास 800 यूनिट्स की, कितने केजीज पर ठुक जाएंगे सर, 1.2 के हिसाब से 960 केजीज। सर, 3000 में से 960 गए तो 240 बच गए, और सर इसके 800 यूनिट्स पे हमें सीएम मिलेगा कोई 4 लाख रुपए का। अब बताएं सर, दूसरा प्रोडक्ट है मेरे पास जेड। अब मसला ये है, जेड के लिए मुझे जो केजीज ही चाहिए, अब देखें जिसको मैं पीला कर रहा हूँ 2160, मेरे पास है ही नहीं इतने केजीज, मेरे पास है ही 2400 के, 2040 केजी। तो बताएं 2040 केजी में कितने यूनिट बन पाएंगे सर, 2040 डिवाइडेड बाय कितने, एक केजी पे, एक यूनिट पे कितना, 1.8 केजी। इसका मतलब है सर 1113, और सर 1113 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं सर मेरे पास एक यूनिट पे 1.8 केजी, तो मेरे पास सर सारे का सारा जो मटेरियल बाकी बचा था वो जीरो हो जाएगा, क्या हो गया है। अब बताएं सर मेरे पास इतने यूनिट्स का जो सीएम आएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय, ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस तुम लोग आ सकता है लेकिन मैंने बिल्कुल परफेक्ट वो कर दिया, ये आ गया सर सीएम। इससे इसमें कोई वो नहीं था सर, एक्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया सर। ये पहला पार्ट था इसका जो मेरे हिसाब से वॉज वे टू ईजी टू हैंडल, ठीक है। लेकिन सर इसके दूसरे पार्ट में पिक्चर ही चेंज हो जाती है। वो कहता है, जनाब डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर आल्सो अवेलेबल फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर।
अच्छा देखिए, अब एक चीज़ दिमाग में रखिएगा सर, जब हमारे पास सवाल में लिमिटिंग फैक्टर के साथ साथ ये फैक्ट भी आ जाता है कि यही मटीरियल, यही प्रोडक्ट्स जो है, प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल नहीं, प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट से भी अवेलेबल है, तो इसका मतलब है सर आप अगर एक्स वाई और जेड की बात कर रहे हो, आप देखो जरा इनको कंपेयर करो, इनकी सेलिंग प्राइसेस क्या क्या हैं सर? सर 3750, 3500 और 4500। अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं सर इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, तो आप कहोगे सर इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट मिला के 2400 प्लस 900, दैट इज 3300, और सर इन दोनों की 30, यानी सर सारे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं अगर मैं खुद प्रोड्यूस करूं उसको, लेकिन अगर मैं इसको परचेज करूं तो चेक करो फिर कितने जो है वो ऐसे हैं जो, अच्छा मैं 3300 को पॉजिटिव लिख देता हूं सर ताकि मुझे, मेरे लिए काम आसान हो जाए। अब बताएं अगर इसको मैं बाहर से परचेज करता हूं तो मुझे ये 3450 का मिलता है, 3100 का मिलता है और 3985 का मिलता है, लेकिन अगर आप देखें दोनों केसेस में, अगर इसको आप बाहर से खरीदें या इंटरनल प्रोड्यूस करें, सेलिंग प्राइस दोनों केसेस में ऊपर है। इसका मतलब है इसको चाहे बाहर से खरीदो चाहे खुद प्रोड्यूस करो, प्रॉफिट दोनों पे होना है, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, चाहे खुद प्रोड्यूस करो चाहे बाहर से खरीदो, सेलिंग प्राइस सेम है तो प्रॉफिट सब पे हो रहा है। अब बताएं अगर मैं आपसे पूछूंगी यार सारी चीजें अगर बाहर से अवेलेबल तो बाहर से खरीद लो, इंटरनल प्रोड्यूस करने का क्या फायदा? सर इंटरनल प्रोड्यूस करेंगे ना तो सेविंग्स होंगी, किसमें? कॉस्ट में, कॉस्ट में सेविंग होगी 150 की, कॉस्ट में सेविंग होगी 100 की, कॉस्ट में सेविंग होगी 160 की। देखो मिल तो बाहर से भी जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा कि हम एक प्रोडक्ट मतलब बेच ही ना पाए, प्रोडक्ट सारे बेचेंगे, डिमांड पूरी करेंगे, लेकिन मसला ये अगर इंटरनल प्रोड्यूस करूं तो मुझे ये सेविंग्स मिल रही है। अब याद रखिएगा कि सर जब गुड्स एक्सटर्नली अवेलेबल हो, इंटरनली अवेलेबल हो, तो आप सर दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करोगे और सेविंग्स निकाल लोगे। अब बताओ सर ये 150 रुपये की सेविंग हासिल करने के लिए मुझे कितने केजी लगाने पड़ेंगे एक्स के ऊपर ताकि मैं प्रोड्यूस कर सकूं उसको? सर मुझे 1.6 केजी लगाना पड़ेगा रॉ मटेरियल का ताकि मैं इसको प्रोड्यूस कर सकूं और 150 रुपये बचा सकूं। तो मैं अगर आपसे पूछूं सर मेरे पास सेविंग्स पर केजी कितनी है, तो आप कहोगे सर सेविंग्स पर केजी मेरे पास है 94 रुपीज़ का। इसी तरह सर मुझे यहाँ 100 रुपये की सेविंग है और सर यहाँ 1.2 का मटेरियल लग रहा है और इधर 1.8 का मटेरियल लग रहा है, तो सर अगर मैं सेविंग्स पर केजी निकालूं तो 83.33 और 88.989 है। अब मुझे बताओ सर प्रोडक्ट सारे बेचेंगे जितनी डिमांड है, लेकिन इंटरनल प्रोडक्शन का फायदा क्या? सेविंग्स हो रही हैं, तो बताएं सर सेविंग्स पर केजी सबसे ज़्यादा मुझे कहाँ सेव करके दे रहा है? एक्स ये पहले बनाया, ये दूसरे नंबर पे बना है, ये तीसरे नंबर पे बना है। अगर आप ऊपर की रैंकिंग देखेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ऊपर वाला हमने ये सोच के बनाया कि यार जो प्रोड्यूस करना है इंटरनली प्रोड्यूस करना है, बाहर से कुछ अवेलेबल नहीं है। लेकिन सर अगर गुड्स बाहर से भी अवेलेबल हैं तो फिर डिसीजन मेकिंग का मैकेनिज्म जो है वो सीएम पर केजी की जगह सेविंग्स पर केजी पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो हम ये देखेंगे कि यार बाहर से लेने में और इंटरनल प्रोड्यूस करने में डिफरेंस अगर कॉस्ट का है तो सर वो कॉस्ट का डिफरेंस जो हमें फायदा दे रहा है उस पर हमें कितने केजी लगाने पड़ेंगे। तो सर सबसे कम केजी कंज्यूम करके सबसे ज्यादा सेविंग जहां मिल रही है पहले वो प्रोड्यूस करें। अब बताएं मेरा प्रोडक्शन प्लान क्या होना चाहिए सर? अब मुझे पहले प्रोड्यूस करना चाहिए सर प्रोडक्ट यूनिट्स, केजीज कंज्यूम, केजीज लेफ्ट ओवर और सीएम। मुझे बताएं सर अगर मैं सबसे पहले आपसे कहूं कि मुझे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, अब कौन सा एक्स, बताएं इसके कितने यूनिट्स में प्रोड्यूस करूं सर? सर इसकी डिमांड है हमारे पास टॉप टॉप जाए 1000 यूनिट्स की। सर इस पे कितने केजी कंज्यूम हो जाएंगे? 1.6 के हिसाब से 1600 केजी, 3000 में से 1600 अगर निकाल दूं तो ये बच जाएगा। सीएम 1000 यूनिट का मेरे पास आ रहा है सर, कितना प्रोड्यूस करें तो प्रोडक्शन का सीएम ये एक्स बनाने के बाद सर दूसरे नंबर का प्रोडक्ट मेरे पास जेड है, जेड पूरा नहीं बन पाएगा सर, जेड मेरे पास 1400 केजीज में कितने बन पाएंगे सर? 1.8 के हिसाब से 778 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर, सीएम मुझे ऊपर मिलेगा कितना जी? सर 675 सॉरी। अब बताएं सर मेरे पास इस पर केजीज कितने कंज्यूम हो जाएंगे? इतने लेफ्ट ओवर सर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये वो सीएम है जो मैं प्रोडक्शन करके कमाऊंगा। अब बताओ सर मैं कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट से खरीदूंगा भी तो मेरे पास एक और प्लान आएगा, परचेज प्लान। अब बताएं खुद बताएं परचेज हम कहाँ क्या करें सर? सर हमें एक तो परचेज करना है जेड और एक परचेज करना है ऑल टुगेदर वाई, ठीक है जी। हमने परचेज करना है, अब मैं अगर आपसे पूछूं सर मेरे पास इन परचेज के यूनिट्स कितने होंगे,
सीधी सी बात है, यूनिट सर इसके डिमांड है, रिजल्ट की डिमांड है कितने की, 1200 की, और सर हम 778 प्रोड्यूस कर चुके हैं तो ये बाहर से खरीदेंगे, और वाई की तो इंटायर डिमांड हम बाहर से कवर करेंगे सर, वो कितनी है 800 की। अब बताएं सर इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है। सर इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, सर जेड की सेलिंग प्राइस 4500 है और इसकी सेलिंग प्राइस सर मेरे पास 3500 है। सर मुझे बताएं इसके पास परचेज कॉस्ट कितनी है दोनों की। सर मेरे पास परचेज कॉस्ट इसकी है कोई 3100 रुपये की, सॉरी 3985 की, और सर इसकी जो मेरे पास परचेज कॉस्ट है वाई की, तो सर अगर हम इसका सेम निकालें तो हमारे पास सर इसकी जो परचेज कॉस्ट है वाई की वो है कोई 3100 रुपये की, ठीक है जी। तो सर अगर मैं इनका सेम निकालूं टोटल तो मैं कहूँगा 4500 प्लस ये सेम पर यूनिट आ गया, 422 से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल सेम इतना आ गया, इसका टोटल सीएम 3,20,000 आ गया सर, ये मेरे पास आ गया परचेज प्लान का सीएम, ठीक है जी। और अगर मैं सर टोटल सीएम देखूं तो मेरे पास सर टोटल सीएम अब आ रहा है कोई 1,05,12,444, ये मेरे पास सर मैक्सिमम सीएम है जो मैं इस प्लान के साथ कमा सकता हूँ। याद रखिएगा सर जब मेरे पास एक्सटर्नली अवेलेबल गुड्स नहीं है तो सीएम पर केजी पे जाना, और अगर गुड्स बाहर से भी अवेलेबल हैं या इम्पोर्ट करके अवेलेबल हैं या एक्सटर्नल सप्लायर आपको दे रहा है तो आप सर प्रोडक्शन कॉस्ट और परचेज को कंपेयर करके सेविंग्स पर केजी निकाल लेना, ठीक है जी। और उसकी बेसिस पे देखना कि प्रोडक्शन से जो सेविंग्स आ रही है उसके लिए आपको कितने केजी कंज्यूम करने पड़ रहे हैं, और सेविंग्स पर केजी या सेविंग्स पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर पे आप डिसीजन लीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।